इंदौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर तो बेहतर काम हुआ है, लेकिन अब जल प्रबंधन, यातायात और ध्वनि प्रदूषण व हरियाली पर काम करने की जरूरत है। यह बात सोमवार को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने कही। डॉक्टर अफरोज ने सोमवार को इंदौर जिला प्रशासन, नगर निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद सोमवार को इंदौर में थे। शहर देखने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों की बैठक ली। विभागों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के काम देखने के बाद उन्होंने कहा कि इंदौर में जैसा काम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हुआ है, वैसा काम ट्रैफिक, ध्वनि प्रदूषण और हरियाली पर भी करने की जरूरत है। ट्रैफिक को लेकर उन्होंने पुलिस अफसरों से कहा कि इंदौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और ध्वनि प्रदूषण बहुत है। टोटल जो हमारा फ्लीट है वो 1400 से 1500 व्हीकल्स का है, जिसमें अलग अलग टाइप के व्हीकल्स जो हॉर्टिकल्चर और अन्य चीज़ों को भी मैनेज करते हैं। तो उसके लिए सर एक इफिशियंट वर्कशॉप का होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है सर ताकि समय पर जो हमारी गाड़ियाँ अगर ख़राब होती हैं तो उनका इन एंड आउट टाइम, वो वर्कशॉप कब आएंगे और कब वापस अपने रूट पर लौटने, इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जितने भी छोटी छोटा मेंटेनेंस होता है वो बजाय बाजार में कराने के हम अपने ही मैकेनिक से कराने, वो टाइमली भी होता है और पैसे भी कम लगते हैं। इसी तरीके से जो आउटसोर्स वर्किंग पैटर्न्स थे वो छोटी चीज़ों के लिए सर 1 लाख के बिल कब बन जाया करते थे किसी को नहीं पता रहता था। तो इस तरीके से वर्कशॉप पे बहुत ध्यान दिया गया पहले एक साल में 2015 से 2016 तक, ताकि फ्लीट जितना भी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, चाहे हम घर से कचरा उठाएं, बड़े होटल से। पर्यावरण जो है एक विरासत है, साझी विरासत है और सभी के लिए है कि अगर वायु प्रदूषण होता है तो ये कोई समझे कि मैं बच जाऊंगा, दूसरे को प्रभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच करके वो पूरा काम कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इंदौर और स्वच्छ और स्वस्थ होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी पूरे इंडिया में इसका नाम होगा कि बहुत ही अच्छा शहर है। इतना बड़ा शहर होने के बाद भी इसका पर्यावरण भी बहुत अच्छा है। पंचायतों को भी इसमें शामिल करेंगे, नदियों को बचाने के लिए काम होगा, जो हमारी पुरानी झीलें हैं उनको बचाने के लिए भी पूरा काम होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें वो सफल होंगे, कि बहुत अच्छे प्रशासक हैं। मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में और भी अच्छे काम इंदौर में होंगे और इंदौर का पर्यावरण और स्वच्छ होगा और अच्छा होगा। डॉक्टर अहमद ने कहा कि जब भी एक IAS किसी काम में रुचि लेता है तो उसके परिणाम नजर आते हैं, और इंदौर में ये हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इंदौर का नाम है। किसी भी राज्य के SWM के केस हमारी कोर्ट में आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इंदौर मॉडल को फॉलो करें। यस, उदाहरण है, उदाहरण इसमें दो राय नहीं है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का है वो पूरे देश में नंबर वन पर है इंदौर, कि किस तरह से इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट को, सारे वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरह से इतना अच्छा प्रबंधन किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और हम देश में जितने भी तमाम और जो प्रदेश हैं उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आप इंदौर में जाकर देखिए और इंदौर के मॉडल को अडाप्ट करिए, और इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर अफरोज के मुताबिक इंदौर को जल प्रबंधन पर काम करने की आवश्यकता है। इंदौर में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। इंदौर में अभी जरूरत है पानी प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। जो हमारी झीलें थी होलकर साम्राज्य के जमाने की, वो झीलें इतनी अच्छी थी जो वाटर बैलेंसिंग का काम करती थी, बारिश का पानी अपने अंदर रोकती थी और रोकने के बाद वो ग्राउंड वाटर को बनाती थी। क्योंकि यहाँ का ग्राउंड वाटर क्या है कि बाल्कनिक इरप्शन के बाद यहाँ की ज़मीन पथरीली है नीचे की तरफ और ग्राउंड वाटर बहुत नीची स्तर पर है। ऐसे हालात में ग्राउंड वाटर एक रिज़र्व के रूप में है और उसको इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके करने से तमाम समस्याएँ हैं। जो हमारा बारिश का पानी है बहुत ज़्यादा होता है, उसी का प्रबंधन करना चाहिए। अब इन झीलों पर लोगों का जोर ना हो, अतिक्रमण ना हो, अतिक्रमण को रोकने के लिए, झीलों के कैचमेंट को बचाने के लिए ये बहुत अहम ज़रूरत है जो लोगों को करना चाहिए। बैठक में उन्होंने कहा कि अब जिला प्रशासन को पंचायतों को भी जोड़ना चाहिए। गांवों में शमशान, कब्रिस्तान या धर्मस्थल की जमीन को छोड़कर बाकी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, इस पर कलेक्टर काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।